Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आज की वीडियो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की एफोरिज्म नंबर 67 के बारे में. As you all know, ये ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की सीरीज चल रही है जिसमें हम एफोरिज्म नंबर 66 तक अभी कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे एफोरिज्म नंबर 67 के बारे में. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एफोरिज्म रिगार्डिंग द एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट वेयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट What are the situations and circumstances in which antipathic mode of treatment is going to work wonders? ऐसे कौन से जो circumstances है, परिस्थितियां है, बीमारियां है जिनमें antipathic mode of treatment ही काम कर सकता है. वहां पर हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को वर्कआउट करने के लिए हम उसे दे सकें. तो इतनी सारी एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में सब पढ़ने के बाद अब डॉक्टर हैनेमैन हमें वो साइड भी दिखा रहे हैं कि एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट किन केसेस में बहुत अच्छा काम करता है. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. सो आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एज वेल एज माय चैनल. तो आज हम बात करते हैं फॉरगिज्म नंबर 67 के बारे में. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. दीज इनकॉन्ट्रोवर्टिबल ट्रूथ्स, अभी तक जितनी भी बातें हमने पढ़ी है एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में वो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल ट्रूथ्स है. कॉन्ट्रोवर्सी होती है कॉन्ट्रोवर्सी, पर इनकॉन्ट्रोवर्टिबल जो चीज सच्चाई है उस पर कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती. दिस इज द ओनली ट्रूथ अभी तक जो हमने पढ़ा, विच स्पॉन्टेनियसली ऑफर देमसेल्फ टू आवर नोटिस इन नेचर एंड एक्सपीरियंस, जो अपने आप हमारे सामने एक्सपीरियंस के द्वारा या प्रकृति के द्वारा हमारे सामने अपने आप ही नोटिस में आ जाती है. जो भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी है रिगार्डिंग होम्योपैथी, एलोपैथी एंड एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, एक्सप्लेन टू अस द बेनिफिशियल एक्शन दैट टेक प्लेस अंडर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. और हमें क्या बताता है कि क्या क्या बेनिफिशियल एक्शन है जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंडर होते हैं. ऑन द अदर हैंड उसके अलग तरफ देखें, अगर हम दूसरी साइड देखें, दूसरे ही हाथ पर हम देखते हैं द डेमोन्स्ट्रेट द परवर्सिटी ऑफ एंटीपैथिक एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस विद एंटागोनिस्टिकली एक्टिंग मेडिसिन. ऑन द कॉन्ट्ररी हम क्या देखते हैं कि यही सभी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं. हम देख पाते हैं परवर्सिटी क्या क्या चेंजेस, जो हार्मफुल चेंजेस लेकर आता है एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, किसके द्वारा एंटागोनिस्टिकली सिलेक्टेड मेडिसिन जो है, जो पैलिएटिव एंटीपैथी जो काम करने वाली जो दवाइयां हैं वही सभी दवाइयों के जरिए हमारे सामने इसकी भी परवर्सिटी आ जाती है. अब इसका फुटनोट जो एंटागोनिस्टिकली एक्टिंग मेडिसिन लिखा है उसके ऊपर वन पॉइंट लिखा है और फर्स्ट में ही पूरा फुटनोट दिया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें इस फुटनोट में बताया गया एंटागोनिस्टिकली एक्टिंग मेडिसिन क्या है. सो लेट्स लर्न दिस. ओनली इन द मोस्ट अर्जेंट केसेस वेयर डेंजर टू लाइफ एंड इमिनेंट डेथ अलाउ, नो टाइम फॉर एक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन. सिर्फ बहुत अर्जेंट केसेस जहां पर बहुत डेंजर होता है लाइफ को और ऐसा लगता है बस अभी डेथ ही हो जाएगी, ऐसे केसेस में जहां पर आपके पास होम्योपैथिक रेमेडी को टाइम ही नहीं होता उतना कि आप अलाउ कर सके, होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट कर सके, इतना टाइम नहीं होता. नॉट आवर्स, समटाइम्स नॉट इवन क्वार्टर आवर्स एंड स्केर्सली मिनट्स. सो डॉक्टर हैनेमैन वॉन्ट्स टू टीच अस, घंटे भी नहीं होते, कई बार हमारे पास मिनट भी नहीं होते हैं, कई बार हमारे पास सिर्फ कुछ मिनट होते हैं. क्या एग्जाम्पल्स है? इन सडन एक्सीडेंट अकरिंग टू प्रीवियसली हेल्दी इंडिविजुअल, बिल्कुल हेल्दी इंडिविजुअल का अगर अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इन एस्फिक्सिया, ब्रेथलेसनेस हो गया, सस्पेंडेड एनिमेशन फ्रॉम लाइटनिंग, बिजली, फ्रॉम सफोकेशन, फ्रीजिंग, ड्रोनिंग, सफोकेशन हो रहा है, दम घुट के अगर उनका जो है डेथ होने के चांसेस हो रहे हैं, पानी में डूब गए हैं, ड्रोनिंग हो गया है या डुबो दिया गया है, वॉट एवर एस्फिक्सिया है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पर जहां पर बॉडी की सेंसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल डाउन चली जाती है, ऐसे टाइम पर इस तरह का ट्रीटमेंट दैट मीन्स एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाए जो कि उनके सेंसेस को, उनके नर्व फाइबर्स को एक्टिवेट करे, उनके वाइटल फोर्स को जगाए, उनको स्टिमुलेट करे, उनकी इरिटेबिलिटी को बढ़ाए बॉडी की, सो दैट जो भी मेडिसिन उनको दिए जाए उसके बाद उससे उन्हें इफेक्ट नजर आए. जब तक कि बॉडी इतनी ज्यादा एट द वर्ज ऑफ डेथ जाने लगती है, दैट मीन्स ऑल द सेंसेस ऑफ द बॉडी, द वाइटल ऑर्गन्स आर नाउ एट द वर्ज ऑफ जस्ट स्टॉपेज, सो दे डोंट वॉन्ट टू वर्क और दे आर नॉट इन द कंडीशन टू स्टेबिलाईज द बॉडी ऑन देयर ओन. तो ऐसे कंडीशन में वेन दे हैव गिवन अप, तो कोई भी तरह का एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे कि इरिटेबिलिटी है बॉडी की बढ़े, सेंसेस जो है वो एक्टिवेट हो, तो उसके बाद तो कोई भी जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो बॉडी पर लगेगा भी. द फिजिकल लाइफ विद अ पैलिएटिव, एज फॉर इंस्टेंस
So, is it admissible and judicious at all events as a preliminary measure to stimulate the irritability and sensibility, the physical life? Physical life, that means the vital organs, body, heart hai, lungs hai, ye sab brain jo hai, wo hamara kaam karne lage. With a palliative, tarah ke palliative se. As for instance, example kya de rahe hai? With gentle electrical shocks, lekin mild. With clusters of strong coffee de diye, bahut sari stimulating odor diye, sungaye ja rahe hai. Gradual application of heat, धीरे धीरे heat apply की जा रही है पूरी body पे, because we know जैसे ही हमारे vital organs जो है they are about to stop and we are near death, तो हमारी body जो है वो ठंडी पड़ती जाती है, तो gradual application heat का किया जाता है etc. When the stimulation is effected, जैसे ही stimulation होने लगता है body का, the play of the vital organs again goes into its former healthy manner. Vital organs, heart, lungs, brain, ये सब अपने वापस जो है हेल्दी मैनर में थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करते हैं. फॉर देयर इज हेयर नो डिजीज टू बी रिमूव्ड, क्योंकि यहां पर कोई डिजीज रिमूव नहीं करना है, बट मेरली एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड सप्रेशन ऑफ द हेल्दी वाइटल फोर्स था, उसकी सिर्फ उसको सप्रेस हो गया था बाय एक्सीडेंट और बाय दीज अर्जेंट केसेस एंड सर्कमस्टांसेस. तो ऐसे सप्रेशन या रुक गया है, जब हेल्दी वाइटल फोर्स रुक सा गया है, सप्रेस हो गया है, तो ऐसे केसेस में कोई डिजीज तो रिमूव करना नहीं है. टू हिस कैटेगरी बिलोंग वेरियस एंटीडोट्स टू सडन पॉइजनिंग. और इस कैटेगरी में और क्या क्या आता है, अभी तो हमने बात किया कि एस्फिक्सिया, ये सब पॉइजनिंग भी इन्हीं केसेस में आता है. तो अगर सडन पॉइजनिंग हुई है तो एंटीडोट्स सभी इसी कैटेगरी में आते हैं. मिनरल एसिड्स के खिलाफ एल्कलीज इस केस में आते हैं. मेटालिक पॉइजनिंग अगर हुई है तो हिपरसल्फ जो है एंटीपैथिक की तरह दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है. कॉफी एंड कैम्फर एंड इपिकैकुआना फॉर पॉइजनिंग बाय ओपियम, किसी को ओपियम की पॉइजनिंग कराई गई है तो कॉफी एंड कैम्फर दीज टू एज वेल एज इपिकैकुआना टू दे आर यूज एज एन एंटीडोट अगेंस्ट द पॉइजनिंग ऑफ ओपियम एंड एटसेट्रा, बहुत कुछ है. It does not follow that homeopathic medicine has been ill-selected for a case of disease because some of the medicinal symptoms are only antipathic to some of the less important and minor symptom of the disease. Now we are going to talk about homeopathy here. So homeopathic medicines mein kya hota hai? Generally, aapne ab irritability arise ho gayi, sensibility aa gayi, vital organs bhi healthy manner ki tarah kaam karne lag gaye. Now what? Ab jitni bhi chote symptoms hai, shayad jinko dhyan hi nahi diya ho, जो कि वेल सिलेक्टेड नहीं हो और वो ड्रग पिक्चर से पूरे मैच नहीं करते हो, इस तरह के जो लेस इम्पॉर्टेंट माइनर सिम्टम्स ऑफ द डिजीज है, जब वो भी अपने आप थ्रू होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ठीक होने लग जाते हैं, कैसे इट अकर्स इफ ओनली द अदर्स, जब बाकी सारे सिम्टम्स स्ट्रॉन्गर वन वेल मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक होंगे और पिक्यूलियर सिम्टम होंगे डिजीज के, उनको कवर किया जाए और मैच किया जाए सेम मेडिसिन और सिमिलैरिटी के बेसिस पर उनको जब दिया जाता है, तो दैट इज टू से क्या कर कहना चाह रहे हैं, ओवर पावर डिस्ट्रॉयड एंड एक्सटिंग्विश द फ्यू ऑपोजिट सिम्टम्स ऑल्सो डिसअपीयर ऑफ देमसेल्फ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ एक्शन ऑफ मेडिकमेंट विदाउट रिटार्डिंग द क्योर इन द लीस्ट. तो यहां ये कह रहे हैं कि जब होम्योपैथी के लिए जो इम्पोर्टेंट पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं उनको आप जब कवर करेंगे, उनको जब आप कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को लेंगे और ड्रग पिक्चर मैच करके एक सिमिलर मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ओवर पावर करती है, डिस्ट्रॉय करती है और एक्सटिंग्विश करती है, बिल्कुल नष्ट करती है किसको, जो बाकी ऑपोजिट सिम्टम्स थे उनको भी नष्ट करती है, क्योंकि वो बहुत माइनर सिम्टम्स थे, छोटे छोटे थे, लेस इम्पॉर्टेंट थे, तो जब मोर इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स को लिया और होम्योपैथी के लिए ट्रीट किया तो बाकी जो इम्पॉर्टेंट भी नहीं थे वो सब भी बॉडी से अपने आप चले जाएंगे. कब चले जाएंगे? जैसे जैसे आपने जो मेडिसिन की डोज दी है उसका टर्म ऑफ एक्शन खत्म होता जाएगा, तो बाकी जो लेस इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो कि आपने सिलेक्ट भी नहीं किए होम्योपैथी के लिए, वो भी चले जाएंगे विदाउट रिटार्डिंग द क्योर इन द लीस्ट. बिना आपके क्योर को रिटार्ड किए, स्लो किए, आपके क्योर को रोके, बिल्कुल वो भी सारे चले जाते हैं. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टे ट्यून टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ऑन कैंट्रोपोट्री माइंड सेक्शन डिल्यूजन्स रूब्रिक विच आई रियली होप दैट मेनी ऑफ योर पीपल आर वेटिंग फॉर. इट इज गोइंग टू बी कमिंग वेरी सून. थैंक यू सो मच, टेक केयर.